मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है, आग लगातार फैल रही है। तस्वीरें आपके सामने, इस आग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग है। धुएं का गुबार आसमान में उठता साफ तौर से नजर आ रहा है। फिलहाल कोशिशें लगातार जारी है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फैक्ट्री में आग लगी है, तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत भयानक रूप ये आग ले चुकी है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे आग लगना बताई जा रही है? रितु, ये जहाँ पर आग लगी है ये ऑयल फैक्ट्री है, और ये जो ऑयल का इस्तेमाल होता है ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करने वाली जो ऑयल है उसमें आग लगी है। और सामने अगर तस्वीरों में इस वक्त जो दर्शक भी देख रहे होंगे, सामने कुछ टैंकर्स नजर आ रहे हैं, एक कैप्सूल जैसे टैंकर है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ और इसकी मात्रा काफी ज्यादा है। ऑयल में आग लगी है, इसलिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए। लगातार टैंकर्स के जो पानी के टैंकर्स हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। फायर ब्रिगेड के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एक बड़ी टीम है, इस वक्त मौके पर तैनात है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि आग तो एक फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है जो ऑयल है, लेकिन आग का जो विकराल रूप है वो समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और ये जहां पर आग लगी है ये पूरा इंडस्ट्रीज बेल्ट है, और इंडस्ट्रीज बेल्ट में आसपास तमाम एक दूसरे से जुड़ी हुई फैक्ट्री है, तो कहीं ना कहीं से फायर ब्रिगेड के लिए ये भी बड़ी चुनौती है कि कम समय के अंदर, क्योंकि ये जो आग है, अगर आग दूसरी जगह पर चली गई, उसके लपटे ने अगर दूसरी फैक्ट्रीज पर ले लिया तो ये आग का रूप बड़ा विकराल हो जाएगा। और ये जो आग है ये भीषण आग लगी है काफी, और कई घंटों से, ये कहा जा सकता है पिछले 1 से 1.5 घंटे से लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आग जो है कई दूर तक, मतलब आसपास जो धुएं का गुब्बार है नजर आ रहा है, और आग के जो लपटे आसपास के जो रहने वाले टाउनशिप है, जो विकराल रूप यहाँ पर मिथिलेश ये आग ले चुकी है। तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं कि कितना विकराल रूप ले चुकी हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आसपास भी आप कह रहे हैं कि और भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर भी आग लगने की संभावना है, तो आखिर वहां के लिए भी क्या किया जा रहा है कि वहां तक आग ना पहुंचे? देखिए, जो आसपास के जो फैक्ट्रीज लगे हुए हैं वहां पर जो दूसरे टैंकर्स हैं उनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि आग दूसरी तरफ आगे ना बढ़े, यानी जहां पर ऑयल है उसे जल्द से जल्द बुझा लिया जाए। अब फोम की गाड़ियों को भी बुला लिया गया है जिसमें फोम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी फोम से ऑयल पे छिड़काव किया जाएगा कि जो आग है उस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि आग जो है ऑयल के साथ बढ़ते ही जा रहा है, आग का जो रूप है वो विकराल होता ही जा रहा है। मांगलिया जो डिपो है ठीक उसके पीछे वाले हिस्से में एक निजी फैक्ट्री, और बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है, और इसमें काफी मात्रा में वहां पर ऑयल रखा हुआ है, और उस ऑयल को बुझाना कहीं ना कहीं से फायर ब्रिगेड के लिए काफी चुनौती बनी हुई है, यानी कड़ी मशक्कत के साथ में आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखिए मिथिलेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको इंदौर की दिखा रहे हैं, सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि कितनी भीषण ये आग लगी है। इंदौर की तस्वीरें हैं, फैक्ट्री में आग लगी है, मांगलिया के पिल्लिया गांव में ये फैक्ट्री मौजूद है जहां पर ऑयल बनाने का काम किया जाता है। ये फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी है। फिलहाल 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, 1.5 घंटा इस आग को हो चुका है, प्रयास लगातार जारी है आग बुझाने के। दुर्ग में रोमांच के लिए खतरनाक बाइक स्टंट का मामला सामने आया जिसमें एक कपल चल रहा तेज रफ्तार बाइक पर रोमांस करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, स्टंट की तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कपल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें एक कपल तेज रफ्तार बाइक से जा रहा है, रोमांस करता हुआ नजर आ रहा है। ये टेलीविजन पर स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। सड़क पर दौड़ती तेज रफ्तार बाइक, उस पर सवार एक कपल सामाजिक ताने बाने से बेफिक्र है, अपनी मस्ती में धुन चलती बाइक पर रोमांस कर रहे हैं। ये वीडियो दुर्ग का है जहां एक कपल सड़क पर खुलेआम प्यार करते नजर आए, आसपास से लोग गुजरते रहे लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रोमांस में मशगूल रहे। वीडियो में बाइक के पीछे एक स्कूटी भी नजर आ रही है जिस पर बैठे युवक उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। तस्वीरें आप भी देखिए, बाइक पर बैठे लड़के ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई, तलाशी शुरू हुई। जैसे ही ये पकड़ में आए इनका चालान काटा गया, ऐसा दोबारा न करने की सख्त हिदायत दी गई।
रोमांस की ऐसी तस्वीरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। कार्रवाई भी होती है लेकिन इसके बावजूद लोग पास नहीं आ रहे हैं। और अब बात करते हैं 2023 के महासंग्राम की। सबसे पहले बात करते हैं जो कि कांग्रेस की लिस्ट की। जी हां, पांचवी लिस्ट जारी कर दी है जनता कांग्रेस ने। पांचवी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। पार्टी ने 27 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन को प्रत्याशी बनाया। भिलहा से नेहा भारती चुनाव लड़ेंगी। रायपुर पश्चिम से भगत हरबंस को टिकट दिया गया है। रायगढ़ से मधु किन्नर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो जनता कांग्रेस ने पांचवी लिस्ट अपनी जारी कर दी है। पार्टी ने 27 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक कर दिया है। पामगढ़ से गोरेलाल बर्मन को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं बात करें बिल्हा की, तो यहां से नेहा भारती चुनाव लड़ेंगी। रायपुर पश्चिम से भगत हरबंस को टिकट मिला। छत्तीसगढ़ में मतदान की उल्टी गिनती के बीच नामांकन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से कई नामांकन किए गए। बीजेपी की तरफ से नामांकन में प्रत्याशियों के साथ कई केंद्रीय नेता और मंत्री शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से सीएम बघेल समेत तमाम दिग्गज नामांकन रैली में शामिल हुए। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की। नामांकन भरने के लिए सभी दिग्गज पहुंचे। नामांकन में केंद्रीय नेता जो है मौजूद रहे। ये अलग अलग जगह की तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशियों का नामांकन लगातार जारी है, चाहे वो बात कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, और शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर, दुर्ग, मुंगेली, ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अंबिकापुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने जा रहे सिंहदेव के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इससे पहले नामांकन दाखिल करने जा रहे उप मुख्यमंत्री की कोठी घर से रैली निकली। चौथी बार नामांकन दाखिल कर रहे टीएस सिंहदेव से हमारे सहयोगी श्रवण महंत ने बातचीत की। टीएस सिंहदेव चौथी बार नामांकन भरने जा रहे हैं, बाबा कैसा अनुभव चौथी बार नामांकन? एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि लोग अगर इतना साथ देने आते हैं तो ये विश्वास और ये भरोसा रखते हैं कि भविष्य में क्षेत्र की देखभाल, उनकी देखभाल मेरे माध्यम से हो सके। तो एक बहुत जिम्मेदारी का बोध होता है, बड़ी जिम्मेदारी का बोध होता है। हजारों की संख्या में समर्थक हैं जी, ये उनके मन का उत्साह है और उनके मन की भावना है कि ऐसे मौके पर जब मैदान में आदमी उतरा है, एक चुनौती सामने रहती है, हम सब आपके साथ हैं, ऐसा भाव प्रकट करने के लिए भूपेश बघेल जी नामांकन के लिए आ रहे हैं। रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ से फिर यहाँ आएंगे। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी ने नामांकन आज हजारों के समर्थकों के साथ जो है नामांकन दाखिल करने कलेक्टर पहुंच रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।